नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ज्योग्राफी में बीए पार्ट फर्स्ट में भारत का भूगोल में भारतीय भारत के भूगोल की स्थिति एवं विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। भारत के भूगोल की स्थिति एवं विस्तार की बात आती है तो भूगोल में स्थिति को दो तरह से अध्ययन किया जाता है, भौगोलिक स्थिति और ज्योग्राफिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति के अंतर्गत किसी भी देश की कौन सी कंट्री कौन सी कॉन्टिनेंट में स्थित है, कौन सी दिशा में स्थित है और कौन से गोलार्ध में स्थित है, इन बातों का अध्ययन किया जाता है। भारत में जो भौगोलिक स्थिति में यदि पौराणिक भूगोल में देखें तो पौराणिक भूगोल के अंदर संपूर्ण विश्व को सप्त द्वीपों के अंदर विभाजित था और उसी में से भारत है वो यानी कि एक जम्मू द्वीप का क्षेत्र हुआ करता था। भारत जम्मू द्वीप में पड़ता था और जम्मू द्वीप के अंदर आर्यभट्टों का राज था, आर्यभट्टों का राज करते थे। आर्यभट्टों के यानी में एक प्रतापी शासक हुआ, उसका नाम था भरत। राजा भरत के साम्राज्य क्षेत्र को भारत नाम से जाना गया। तो इस प्रकार यानी कि भारत का नाम भारत क्यों पड़ा, ये इस पौराणिक भूगोल के अनुसार जो आर्यभट्टों में भरत राजा थे और उसी के नाम पर उस साम्राज्य क्षेत्र का नाम है वो भारत पड़ा है। यदि अपन यूनानी सभ्यता के अनुसार बात करते हैं तो भारत को भारत, इंडिया और हिंदुस्तान तीन नामों से जाना जाता है। इंडिया का जो नामकरण है वो यूनानी सभ्यताओं की देन है और यूनानी सभ्यताओं में यूनानी लोग है वो सिंधु नदी को इंडोज कहते थे, सिंधु नदी को इंडोज कहते थे और यूनान रोमन बाद में इसको इंडस कहने लगे। इसके बाद में यानी कि इंडस के आधार पर यानी कि ये अपभ्रंश होकर के इसका नामकरण हुआ इंडिया। और हिंदुस्तान की बात करें तो ये ईरानियों की देन है, ईरानी लोग है वो स का उच्चारण ह से करते थे, इसीलिए सिंधु नदी को वो हिंदू नदी के नाम से जाना जाता था और सिंधु नदी के आसपास रहने वाले निवासियों के क्षेत्र को हिंदुस्तान नाम से जाना गया। तो हिंदुस्तान नाम स्वीकार पड़ा है। ये भारत की यानी कि पौराणिक भूगोल के अनुसार नामकरण की बात थी। अब बात आती है कि भारत की भौगोलिक स्थिति के अंदर विश्व पटल पर भारत की भौगोलिक स्थिति किस प्रकार है। यदि संपूर्ण विश्व को अपन दो रेखाओं में विभाजित करते हैं, 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, इससे संपूर्ण विश्व उत्तर में और दक्षिण में दो भागों में विभाजित हो जाता है। विषुवत रेखा के उत्तर वाला जो भाग है वो उत्तरी गोलार्ध है और दक्षिण वाला भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध है। और भारत यानी कि इसकी दृष्टि से देखें तो उत्तरी गोलार्ध में आता है। और यदि ग्रीनविच रेखा है 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है जो 0 डिग्री देशांतर है, उसके अनुसार संपूर्ण विश्व को दो गोलार्धों में बांटा गया है, उसके पूर्व वाला भाग पूर्वी गोलार्ध है और दक्षिण वाला भाग पश्चिमी गोलार्ध है। इस प्रकार यदि ये दोनों ग्रीनविच देशांतर 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री यानी कि अक्षांशी भूमध्य रेखा है, ये अटलांटिक महासागर के गीले तट के पास में आपस में मिलती है, इसीलिए भारत यदि देखेंगे तो ये उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध के मध्य स्थित है, उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध के मध्य स्थित है, ये थी भारत की भौगोलिक स्थिति। और इसके अलावा अपन इसको और विस्तार से पढ़ेंगे कि भारत की भौगोलिक स्थिति या सबसे विस्तार वगैरह स्थलीय सीमा कैसे है और भी पढ़ेंगे विस्तार से। लेकिन बात जो भी भौगोलिक स्थिति की बात जो भी स्थिति तो मित्रों जो भी स्थिति में अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति का अध्ययन किया जाता है। और भारत यानी कि भारत की जो अक्षांशीय स्थिति है वो अक्षांशीय स्थिति यानी उत्तरी गोलार्ध से शुरू होती है, इसीलिए भारत की अक्षांशीय स्थिति मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध में आता है। और यदि
देशांतरीय स्थिति की बात करें तो देशांतरीय स्थिति भारत की है वो यह जहां से पश्चिम से शुरू होती है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। भारत की जो अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध या उत्तरी अक्षांश और देशांतरीय स्थिति है वो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। और यदि अपन देखते हैं कि भारत की मुख्य भूमि की अक्षांशीय स्थिति तो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होती है, लेकिन संपूर्ण भूमि की या संपूर्ण जिसमें द्वीप भी शामिल हो तो संपूर्ण भूमि में द्वीप की जो स्थिति है, जैसे भारत का दक्षिणतम पॉइंट है वो कारगोबा में इंडिया पॉइंट है, वहां से जो शुरू होती है वो 6 डिग्री और 45 मिनट से शुरू होती है। कई एनसीईआरटी किताबों के अंदर ऐसा लिखा भी हुआ है कि भारत की अक्षांशीय स्थिति है वो 6 डिग्री और 45 मिनट से शुरू होती है, लेकिन ये मुख्य भूमि की नहीं होती है, संपूर्ण भूमि की जिसमें द्वीप भी शामिल है। तो अगर भारत की संपूर्ण भूमि की जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप को भी साथ लिया जाए तो अक्षांशीय स्थिति कहाँ से शुरू होती है, 6 डिग्री और 45 मिनट, लेकिन अक्सर ये मुख्य भूमि की 4 डिग्री और 8 डिग्री और 4 मिनट से शुरू होती है। अब बात आती है कि भारत का यानी कि जो उत्तरोत्तर पॉइंट कौन सा है, दक्षिणोत्तर पॉइंट कौन सा है, पूर्व और पश्चिम का पॉइंट कौन सा है। यदि भारत का उत्तरोत्तर पॉइंट है, उत्तरोत्तर पॉइंट है जम्मू कश्मीर राज्य की काराकोरम श्रेणी में स्थित इंदिरा पोल है। काराकोरम श्रेणी के अंदर कौन सा है, इंदिरा पोल है, और इंदिरा पोल यानी कि स्थित है जो पोल का मतलब होता है गैप या पास, तो गैप या पास में इंदिरा पोल जो भारत का उत्तरोत्तम यानी कि पॉइंट है इंदिरा पोल, और दक्षिणतम यानी दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, भारत का है वो इंदिरा पॉइंट है जो कार निकोबार में स्थित है, अंडमान निकोबार के यानी निकोबार में कार निकोबार भी है उसमें आया हुआ है इंदिरा पॉइंट जो भारत का दक्षिणतम पॉइंट है, और उत्तरोत्तम पॉइंट है वो इंदिरा पोल है। और अब यदि भारत की पूर्व पश्चिम के दिशा में देखेंगे तो पूर्वोत्तर पॉइंट है ये तीन अरुणाचल प्रदेश धरती के अंदर अंजा डिस्ट्रिक्ट के अंदर भारत का किमीथू जो पूर्वोत्तम बिंदु है भारत का किमीथू है वो इंदिरा यानी कि अरुणाचल प्रदेश की अंजा जिले के किमीथू में पड़ता है, और भारत का पश्चिमोत्तम बिंदु कौन सा है, गोहार मोती, इसको गोर मोती के नाम से भी जाना जाता है, तो कहीं लेकिन इसका प्राचीन नाम है मुख्य नाम है गोहार मोती है जो भारत का पश्चिमोत्तम पॉइंट है। तो पश्चिमोत्तम यानी कि जो पॉइंट है जो गुजरात राज्य के जहाँ में कच्छ जिला है, कच्छ जिले के अंदर जो सक्रिय का एरिया है जो भारत और पाकिस्तान का सरहदी क्षेत्र है, और उसमें भारत का ये पश्चिमोत्तम पॉइंट है। तो पश्चिमोत्तम पॉइंट है गोहार मोती है, गोहार मोती पश्चिमोत्तम पॉइंट के नाम से जाना जाता है।
जो कच्छ जिले और गुजरात स्टेट में स्थित है। अब बात आती है कि भारत का जो स्थलीय विस्तार है, स्थलीय विस्तार है वो यानी कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जो स्थलीय विस्तार है, तो उत्तर से दक्षिण यानी कि यहाँ से इंद्रापुर से लेकर के यहाँ कन्याकुमारी तक ये जो उत्तर से दक्षिण स्थलीय विस्तार है वह 3,214 किलोमीटर है, यानी 3,214 किलोमीटर भारत उत्तर से दक्षिण की ओर लंबा है। और पूर्व से पश्चिम की ओर स्थलीय विस्तार है, पूर्व से पश्चिम की ओर स्थलीय विस्तार की लंबाई है वो 2,933 है, यानी 2,933 किलोमीटर यानी कि है। अब यदि अपन अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे तो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के अंतर्गत भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कैसा है, जो भी स्थिति में आता है उतना है। जैसे अक्षांशीय विस्तार निकाल सकते हैं जितना भारत का, जैसे भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है, तो अक्षांशीय स्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट और 8 डिग्री 4 मिनट बड़ी यानी कि डिग्री में से छोटी डिग्री घटानी है, तो भारत का ये अक्षांशीय विस्तार कितना आएगा, 2 और इधर यानी कि 9 और 2 यानी 29 डिग्री और 2 मिनट। ये क्या है, भारत का अक्षांशीय विस्तार है। यदि अपन देशांतरीय विस्तार की बात करें, देशांतरीय विस्तार भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो देशांतरीय विस्तार यानी कितना है, जैसे 68 डिग्री 7 मिनट से 27 डिग्री 25 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट से यानी इसमें से घटाना है 68 डिग्री 7 मिनट 18 रह जाएंगे 29 यानी कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, 29 डिग्री 18 मिनट और अक्षांशीय विस्तार कितना है, 29 डिग्री 2 मिनट यानी कि मिनट। तो कुल मिला के यानी कि 30 डिग्री के आसपास दोनों अक्षांशीय विस्तार देशांतरीय विस्तार लगभग समान है। कुछ थोड़ा सा डिफरेंट आपने देखा होगा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार यानी कि अक्षांशीय विस्तार की अपेक्षा देशांतरीय विस्तार ज्यादा है, देशांतरीय विस्तार है वो यानी कि ज्यादा है। फिर भी देशांतरीय विस्तार ज्यादा होने के बावजूद भी भारत की पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है वो यानी कि कम है, चौड़ाई कम है, जबकि अक्षांशीय विस्तार है वो भारत का यानी कितना, 29 डिग्री 2 मिनट है। फिर भी उत्तर से दक्षिण की इसकी लंबाई है वो यानी कि अधिक है। इसका रीजन क्या है कि जैसे जैसे भूमध्य रेखा से भूमध्य रेखा पर देशांतरों की यानी कि देशांतरों की दूरी अधिक होती है, जैसे जैसे अगर भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जाते हैं तो देशांतरों के मध्य की दूरी है वो कम होती जाती है। इसीलिए भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और भारत का देशांतरीय विस्तार है वो यानी कि देशांतरीय विस्तार अधिक होते हुए भी भारत का पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है, विस्तार है वो उत्तर दक्षिण से कम है, अर्थात उत्तर दक्षिण में भारत है वो यानी कि 3,214 किलोमीटर है, जबकि पूर्व पश्चिम में इसकी चौड़ाई है वो यानी कि विस्तार है 2,933 किलोमीटर है। इसका रीजन ये भी हो सकता है देशांतरीय विस्तार के अंतर्गत यदि अपन टोटल 29 मिनट और 18 डिग्री की बात करते हैं तो भारत का यहाँ से यहाँ के बीच में एक कल अपने पढ़ा था समय गणना के अनुसार कि वन देशांतर भारत एक देशांतर
एक देशांतर बराबर यानी कि 4 मिनट वैल्यू है, एक देशांतर की वैल्यू कितनी है 4 मिनट है, तो 29 देशांतर और 8 मिनट की वैल्यू कितनी आएगी। तो भारत में इसके लगभग यानी कि पूर्व से पश्चिम में जो सूर्य उदय का जो समय है या देशांतर विस्तार की दृष्टि से जो समय गणना की जाती है वो लगभग यानी कि 57 मिनट भारत यानी कि अरुणाचल प्रदेश में किंतु में पहले सूर्य उदय होता है और जो गुजरात में राजस्थान में उपस्थित यानी कि बाद में होता है। इसका रीजन ये है कि भारत में देशांतर विस्तार का इतना है 29 डिग्री 18 मिनट है, एक डिग्री देशांतर 4 मिनट विषय करता है, तो 29 डिग्री होने की वजह से ये लगभग यानी इतना समय का यानी अंतर रहता है। तो इसी प्रकार भारत में सूर्य उदय का जो टाइम पीरियड है वो इस प्रकार रहता है, लगभग एक सॉरी इसका टोटल जो गणना रहेगी यदि हम एक घंटा और 57 मिनट का अंतर है, ऐसा यानी कि माना गया है। तो ये भी भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति विस्तार किस प्रकार का है। अब भारत की जो स्थलीय सीमा है अक्षांश और देशांतर की और के बाद में जो सीमा है स्थलीय सीमा कितनी है, समुद्री सीमा कितनी है, यदि संपूर्ण भारत की स्थलीय सीमा की बात करें, स्थलीय सीमा भारत की स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा भारत की टोटल यानी 15,200 किलोमीटर है, यानी कि भारत की जो स्थलीय सीमा है यहाँ से लगा करके गुजरात राजस्थान और पंजाब जम्मू कश्मीर से लेकर के इन राज्यों से पड़ती है, जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है टोटल यानी कि 15,200 है, और जो समुद्री सीमा है समुद्री सीमा यदि अंडमान निकोबार द्वीप समूह सारे द्वीप समूह साथ में है तो ये 7,516.6 किमी आती है। और इस प्रकार यदि अपन टोटल सीमा की बात करते हैं तो ये 22,700 है, तो भारत की संपूर्ण सीमा है स्थलीय सीमा और समुद्री सीमा। समुद्री सीमा भारत की 9 राज्यों से पड़ती है, यहाँ से समुद्री सीमा स्थित है और समुद्री सीमा की स्थिति है वो गुजरात है, गुजरात और गुजरात के बाद में महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, फिर केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, पूरी उड़ीसा है, इस प्रकार पश्चिम बंगाल है। तो ये टोटल भारत की समुद्री सीमा है वो 9 राज्यों से पड़ती है, और समुद्री सीमा के अंतर्गत यदि समुद्री सीमा में जो मुख्य भूमि की है 160 किलोमीटर, जितने दीपों को छोड़ दिया जाए 7 लिया जाए तो 7,500.6 किलोमीटर स्थित है। तो ये थी भारत की स्थलीय सीमा। अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कि स्थलीय सीमा कौन से देश के साथ में लगती है, कितनी लगती है, तो ये यानी कि किस देश के साथ में कितनी लगती है, इन बातों का अध्ययन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।